और भी एक सुंदर दिन हमारा आई में जोड़ दिया। तो प्रभु को धन्यवाद हो। आज मैं संदेश में जाने से पहले अब एक कहानी सुनाता हूँ, बच्चों का कहानी है। कहानी सुनाएगा तो बहुत लोग एक तो हालात हो जाता है। एक बार आपको सब कुछ आएगा मालूम है, तो सुनाया भी है। एक बार एक मतलब बंदर और एक मगरमच्छ का साथ बहुत दोस्ती था, है ना। ये मगरमच्छ जब भी आता था वो मतलब खजूर के पेड़ से खजूर का फल तोड़ करके मगरमच्छ को देता था। अभी एक दिन ये मगरमच्छ को आया और ये इतना खजूर का फल इतना मीठा है तो ये बंदर को खाने से कितना मीठा रहेगा, है। तो अभी मतलब एक दिन ये मगरमच्छ ने एक बड़ा चतुराई लिया। मतलब मगरमच्छ ने बोला, यार आज अभी दो मगरमच्छ हमेशा साथ में आता था पति पत्नी, तो मतलब एक दिन वो अकेला आया तो बोला, हाँ आज मैडम नहीं आया। बोला आज मैडम का तबीयत बहुत खराब है तो इसलिए डॉक्टर ने थोड़ा रेस्ट लेने के लिए बोला। हाँ तो और मैडम ने बोलकर भेजा आज आपको भी लेकर जाना, लेकर आना। तो अभी मतलब ये बंदर तो बेचारा वो दोस्ती है और उसने बिल्कुल सही समझा। तो अभी ये मगरमच्छ के ऊपर बैठ गया और वो जाते जाते काफी दूर मतलब पानी में चला जाने के बाद में मगरमच्छ बोलता है, अरे वो कोई बीमार नहीं है, आज मुझे तेरा दिल को खाने की इच्छा है इसलिए मैं तुमको देख रहा हूं। तब ये बंदर को होश आया। वो बंदर ने बोला, मामा ये तो बात पहले बोल रहे थे ना तो अगर ये बात अगर पहले बोलता, क्योंकि मेरे तो मेरा मन तो मैं वो खजूर का पेड़ में डाला हुआ है, उसमें टांगा हुआ है, आप बोलने से मैं उधर से उड़ा कर देता था। अभी ये मतलब मगरमच्छ ने सोचा ये बात सच है। उन्होंने क्या किया, इसको लेके जल्दी वापस आया। वापस आकर के किनारे पर आया तो मतलब बंदर जंप किया, बोला मामा अभी मतलब अपना चाल अपने पास ही रखो, बोल के चला गया। बोलने का अर्थ क्या है, मतलब अभी प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में बहुत लोग मन को घर में टाल कर आता है बहुत बार मन लगा करके प्रभु का वजन नहीं सुनेगा तो वजन कार्य नहीं करेगा। और वजन क्या बोलता है, यिर्मयाह में किया उसका 29 अध्याय का 13 वचन, यिर्मयाह 29 का 13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हाँ देखा, संपूर्ण मन से जब तुम मुझे ढूंढेगा तो मुझे पाएगा। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है ना हमारे जीवन में, जब हम प्रभु की उपस्थिति में जब आता है कैसे आना है, संपूर्ण मन से आना। कई बार मतलब यही कहानी की ऐसा हो गया, मन उधर टांगा हुआ है। तो प्रियो हमारे जीवन में हम अपने मन को लेकर आना, प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में मैंने अपने मन लेकर आया है कि नहीं, ये बात को परखना बहुत बड़ी बात है ना। मन से आपको मालूम है, जब भी हम प्रभु का जो खोज करना है मन से करना, जो भी सच्चा मन से खोज करेगा। आपको मालूम है मैंने प्रभु का दिल के जैसा दाविद अपने बेटा शलोमोन को खाने के टाइम पर एक बात उड़ाकर कहता है, पहला इतिहास उसका 28 अध्याय उसका 9 वचन में, पहला इतिहास उसका 28 अध्याय का 9 वचन, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है, यदि तू उसकी खोज में रहे। हाँ देखिए, यदि तू उस प्रभु को प्राप्त करने का खोज में मन से लगा रहेगा तो वह तुझको मिलेगा, भाग तुझे मिलेगा। परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। ओ प्रियो ये बात है, हमारे जीवन में हमें तन मन लगा करके प्रभु का खोज में रोज लगा रहना का जरूरत है।
कई बार लोग आते हैं प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की वाणी सुनते हैं, परंतु तन मन से नहीं आता। तन मन से हम किस मन से प्रभु की उपस्थिति में आकर के प्रभु का वचन को हमारे प्रभु को खोज करता है, ये बात तो स्वर्ग देखता है। आपको मालूम है जब 14 वचन संहिता का दूसरा वचन में लिखा है कि प्रभु ये बात को देखता है कि मुझे ढूंढने वाला कोई बुद्धिमान मनुष्य है कि नहीं है। प्रियो प्रभु को खोज करने वाला लोग कौन है? बुद्धिमान है, बुद्धिमान। देखिए ना, अभी दुनिया के रीति में बुद्धिमान किसको बोलेगा है? जिसने दुनिया का रीति में अच्छा एजुकेशन पाया है ना, अच्छा डिग्री पाया, उनको बोलता है बुद्धिमान। प्रियो प्रभु का खोज करने के लिए दुनिया का एजुकेशन का जरूरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड, इसके बारे एजुकेशन पढ़ा कोई गलती नहीं, लेकिन बोलने का अर्थ प्रभु का खोज, एक अनपढ़ व्यक्ति भी प्रभु का खोज करके प्रभु के पर प्रभु को पा सकता है, प्रभु उसको बोलेगा बुद्धिमान। दुनिया क्या बोलेगा? एक व्यक्ति ने और बहुत कुछ प्राप्त किया, बहुत धन पाया, तो जरूर बोलेगा दुनिया हाँ बुद्धिमान है, वो है बुद्धिमान। नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्रियो ये कोई खराब बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान वह है जो वास्तव में सच्चा दिल से प्रभु का खोज में रहकर प्रभु को प्राप्त करता है। और ऐसा लोग, अरे ऐसे लोगों की खूबी क्या मालूम है? जब नीति वचन 28 अध्याय का 5 वचन में, नीति वचन 28 उसका भी पाठ पढ़ना, हाँ देखा, यहोवा को ढूंढने वाला सब कुछ समझते हैं। कितना धन्यवाद है भैया, यहोवा को ढूंढने वाला सब कुछ समझते हैं। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने हमें और भी एक दिन दिया है प्रभु का खोज में। आप लोग प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आया, निश्चय मुझे विश्वास है कि आप सचमुच में दिल से आया है और आप प्रभु का खोज में है, इसलिए प्रभु हमें वो बात को प्रकाश दे रहा है। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एक व्यक्ति एक मारा नया जन्म पाया है कि नहीं, वो बात के बारे में हम देख रहा था। हमने पिछले दिनों में 4 बात को तक देखा ना, अभी आज 5वां बात को हम देखेंगे। 5वां बात क्या है कि एक व्यक्ति नया जन्म पाया है कि नहीं, उसका 5वां बात पढ़े योग ना 5 अध्याय उसका 4 वचन, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। देखिए, जो भी प्रभु से जन्मा है तो या सचमुच में नया जन्म पाया है तो वो संसार के ऊपर जय पाता है। प्रियो एक बात को जानना है कि हम लोग संसार में रहता है परंतु संसार हमारे में नहीं होना चाहिए। जैसा जहाज पानी में रहता है परंतु पानी जहाज में हो गया तो डूब जाएगा है? उसका यात्रा समाप्त हो जाएगा। तो हम संसार में रहता है परंतु यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि संसार पर जय पाता है, है? संसार पर जय पाना, ये कौन सा संसार है? देखिए, ये मानव वो संसार है जिस संसार में मतलब शैतान की प्रभुता चलता है और पापों का पूरा असर है। उस संसार से और संसार की बातों से प्रेम नहीं करना, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। क्योंकि आज आपको मालूम है, आज दुनिया की अवस्था में यीशु मसीह ने जब बोला संसार का, जब यूहन्ना का 12 अध्याय का 31 वचन में कहता है संसार का सरदार आ रहा है, कौन आ रहा है? संसार का सरदार। पहला योगना 5 अध्याय का 19 वचन में लिखा आखिरी भाग में, पहला योगना 5 अध्याय का 19 की आखिरी भाग में लिखा है सारा संसार उस दुष्ट की अधीन में है, दुष्ट की अधीन में रहने वाला संसार। आजकल का जो भी व्यवस्था है, जो कार्य है, ये सब मतलब दुष्ट की आलोचना, दुष्ट की कार्य, उन बातों में हमारा मन नहीं लगना। देखिए बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बोलने का अर्थ हमें परमेश्वर ने मतलब बहुत से आशीष दिया है। हम दुनिया की यात्रा में रहने के समय में बहुत से अच्छे अच्छे आशीष प्रभु ने दिया, परंतु एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उस आशीषों से प्रेम नहीं करना। ये भी हमारे अच्छा आशीष है, अच्छा होने पर भी उससे प्रेम नहीं करना, उससे प्रेम नहीं करना। आत्मिक जीवन में अगर इस बीत को सही प्रकार अगर नहीं जानेगा बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। जैसे अभी आपको मतलब उदाहरण बोलेगा तो आपको खूब धन दौलत दिया है, धन दौलत कोई खराब नहीं, परंतु धन दौलत के आप गुलाम बनना खराब है।
धन दौलत को आपका गुलाम बनाना, धन दौलत आपका स्वामी नहीं बनना चाहिए। आपको पैसा दिया है तो उसको आप प्रेम नहीं करना चाहिए, उसको आप प्रेम नहीं करना चाहिए। आप धन्यवाद के साथ उसका अनुभव ले सकता है और उससे प्रेम नहीं करना है ना। आपको अच्छा नौकरी दिया, नौकरी के लिए बहुत धन्यवाद, और जो नौकरी पर आप आश्रय करेगा और उसमें प्रभु को त्यागने वाला बात आएगा तो वो धोखा है। बहुत बात समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से समझना प्रिय है ना। हमें किस प्रकार का भी जो अनुग्रह उन्होंने दिया, उस अनुग्रह प्रभु के ओर से मिला, अच्छी बात है, पर तू उससे प्रेम नहीं करना। हमें अनुग्रह दिया हुआ प्रभु से प्रेम करना, बोले का अर्थ दानों पर नहीं प्रेम करना, दादा में प्रेम करना। पर तू जाने अनजाने कई बार क्या होता है, हम दानों के पीछे दादा को भूल जाता। वो बात अगर जीवन में आ गया तो हमारे जीवन में हम संसार में डूब गया, हमारे जीवन में हमारा आत्मीय जीवन नष्ट हो गया। इसमें बहुत बार लोग धोखा खाता है ना अपने जीवन में। जो भी प्रभु ने दिया वो आशीष हम धन्यवाद के साथ अनुभव लेने में कोई ये नहीं, पर तो उससे प्रेम करने लगेगा तो वो बात हमें प्रभु से दूर करेगा। इसलिए पहला योगना दूसरा अध्याय उसका 15 से 17 तक वचन पढ़ना, पहले योगना उसका दूसरा अध्याय का 15 से 17। तुम देखिए यहां पर विषय बहुत सावधानी से समझने वाला बात है, बहुत सावधानी से समझने वाला बात है। बहुत से बात आप लोग जानता है, लेकिन जरूर मैं आशा करता हूं कि आपको अगर आप प्रार्थना के साथ दिल से बैठेगा तो बहुत नया बात प्रभु सिखाएगा। यहां पर उसका 15 वचन वापस होकर पढ़ रहा, देखा मतलब संसार में की वस्तुओं से प्रेम रहने का अर्थ क्या है, ये दुनिया में हमें मिलने वाला सारी सुविधा, वो मतलब धन दौलत हो सकता, नौकरी हो सकता, सान मान होने सकता, कुछ भी हो, उससे प्रेम नहीं करना। प्रेम करेगा तो उस शब्द का आखिरी बात, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखो खतरनाक चेतावनी है ना, खतरनाक चेतावनी है। अगर अभी आप ये जो अवतर लोग बहुत प्रार्थना के साथ सुनेगा तभी आप समझेगा, बोलने का अर्थ इस संसार की कोई भी वस्तु से, मैं आपको बोला सर आपको अच्छा घर दिया प्रभु का महिमा के लिए धन्यवाद करके इस्तेमाल करो, लेकिन आपको घर के पीछे आप प्रभु को भूलेगा गया, उससे आप प्रेम करने लगेगा गया। आपका कोई भी चीज जो है प्रभु ने दिया, आप धन्यवाद के साथ मतलब अनुभव कर सकता है, लेकिन आप उसे प्रेम करने लगेगा तो फिर पिता का प्रेम से आप वंचित हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह समझना प्रिय, कई बार इन वचनों को सही में नहीं समझने के कारण लोग जाने अनजाने एक मूर्ति कुछ बन जाता है। इसलिए संसार का अभी हो सकता है आपको कोई भी प्रकार का ये संसार का आनंद आपको अच्छा लगता होगा, जैसे अभी कई बार कई लोगों को मतलब टेस्टी फूड्स उसमें आएगा ही, लेकिन वो फूड के पीछे मैं आपको बोला ना, कई लोग फूड के पीछे प्रभु का संगति छोड़ देता है, संगति छोड़ने वाला। एक बार मैंने एक दिन को पूछा था आप संगति में क्यों नहीं आया, उसने बोला सब्जी लेने के लिए गया था। देखो प्रभु की संगति छोड़ करके सब्जी लेने के लिए उनको अच्छा लगा, बाकी समय नहीं था, लेकिन सब्जी लेने के प्रति प्रभु का समय को नष्ट कर दिया। मतलब ऐसा धोखा करने वाला विश्वास में कैसे काम रहेगा, नहीं सकता भी। मतलब प्रभु की दिया हुआ सारी बात को अपन अनुभव करने के लिए प्रभु ने दिया है धन्यवाद के साथ कर सकता है, पर तू उससे प्रेम मत करो, प्रभु से बढ़कर प्रेम मत करो, हमको ये बात में धोखा हो सकता है। इसलिए दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करने का अर्थ बहुत गहरा है। मतलब संसार में की कोई भी बातों से अगर हम प्रेम करेगा तो वहां पर पिता का प्रेम नहीं रहेगा।
हमें जो भी मिला है प्रभु से मिला है, प्रभु ने दिया है, परंतु हम क्या करता, प्रभु से बढ़कर के उन बातों से हम प्रेम करने लगता है। आज काम करने के लिए ताकत कौन दिया? प्रभु ने दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज आपको यह संदेश दे रहा हूं तो ये मेरा कोई खूबी नहीं, बहुत बहुत लोगों का प्रार्थना है, बहुत लोग आज आप यहां पर आया तो आपका खूबी नहीं, बहुत लोगों का प्रार्थना है। बहुत बार लोग ये नहीं समझता, प्रियो हमारे लिए बहुत लोग प्रार्थना कर रहा है, शायद आपके जीवन में प्रार्थना करने का मतलब स्वभाव ही नहीं होगा तो भी लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, इसलिए प्रभु बार बार आपको प्रभु को मस्ती में आने दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सच्चाई की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में मतलब कोई भी प्रकार का प्रभु का वचन को अगर हम सही रीति में अगर नहीं समझेगा तो हम आराम से भाग सकता है। इसका मतलब संसार की कोई भी वस्तु से हम प्रेम नहीं करना। प्रभु ने जो भी दिया उसके लिए धन्यवाद करके, खाना भी दिया प्रभु को धन्यवाद करके, अच्छा खाना दिया, बिरयानी दिया, डेली बिरयानी खाता, धन्यवाद करो, लेकिन उसके पीछे मतलब उससे प्रेम नहीं करना, उसे प्रेम नहीं करना, वो प्रेम प्रभु का प्रेम का अपहरण करेगा। इसलिए बोलता है संसार से, वो वचन को बहुत संसार और संसार की वस्तुओं से, पढ़ना पड़ेगा, देखा तुम या संसार से या संसार की वस्तुओं से। इसका मतलब हम लोग ये दुनिया में जो भी अनुभव करता है संसार की वस्तुएं, पर उससे एक प्रेम मत रखो। उसका अर्थ समझ में आया ना? मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। अगर ऐसा करके आप प्रभु को तुच्छ करेगा तो पिता का प्रेम आपके अंदर नहीं रहेगा, पिता का प्रेम कट गया। इसका मतलब पिता का प्रेम से वंचित होने के लिए संसार और संसार की कोई भी वस्तुओं से प्रेम करेगा तो वो व्यक्ति प्रभु का प्रेम, पिता का प्रेम से वंचित हो गया। फिर मतलब यीशु मसीह की प्रेम से दूर करने वाला कौन है? शैतान है ना? पढ़े हो ना 3:8, पढ़े हो ना 3:8, देखिए यीशु मसीह शैतान के खिलाफ में काम करता है। बहुत ध्यान से समझना प्रियो, यीशु मसीह के खिलाफ शैतान या शैतान के खिलाफ में यीशु मसीह काम करता है। देखो किसी प्रकार भी हम पाप में ना गिरने के लिए प्रभु हमारे लिए कार्य करते रहता है, है? और हम पाप की सजा में ना डूबने के लिए प्रभु हमारे लिए विनती करते रहता है, है? हमारे मार्ग में कोई बाधा ना आने के लिए प्रभु से विनती करते रहता है। प्रियो यीशु मसीह हमारे लिए शैतान के खिलाफ में काम करते ही रहता है। यीशु मसीह शैतान के खिलाफ मतलब दुनिया और दुनिया की वस्तुएं पिता के खिलाफ, और शैतान और उनका कार्य यीशु मसीह के खिलाफ, और पवित्र आत्मा के खिलाफ कौन है? शरीर है ना? गैलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका 17 वचन, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। देखा ये एक दूसरे की विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। देखा इसका मतलब क्या है कि शरीर बिल्कुल आत्मा के खिलाफ में काम करता है। प्रियो हमारे जीवन में इसका मतलब एक परमेश्वर हमें किस प्रकार बचाने की कार्य कर रहा है। दुनिया और दुनिया की वस्तुओं से प्रेम ना करने के लिए पिता हमेशा हमारी मदद कर रहा है ना? पाप में मन डूब करके किसी कारण में प्रभु का दिल को दुख ना देने के लिए यीशु मसीह शैतान के खिलाफ में हमारे लिए काम कर रहा है, और पवित्र आत्मा इस शरीर में हम रहता है, ये शरीर के द्वारा कोई भी ऐसा गलती मतलब ना होने के लिए पवित्र आत्मा काम कर रहा है। देखो कितना अनुभव बात है, कितना बड़ी बात है प्रियो, है? हम लोग प्रभु में आया हुआ हर एक पवित्र लोग हमें एक दुनिया के ऊपर एक सच्चा विजय जीवन बिताने के लिए नया जन्म पाया बोल करके मतलब ऐसा रहेगा तो काम नहीं बनेगा। हमें जो बात के बारे में सच्चा ज्ञान चाहिए वो प्राप्त करके उसके अनुसार जीवन बिताना जरूरी बात है। उसके लिए समय को भी समझ करके हमें सावधान देने का एक बात पौलुस पहला कुरिन्थी उसका 7 अध्याय का 29-35 तक वचन में, पहला कुरिन्थी उसके 7 अध्याय का 29-35। देखिए बहुत शक्ति ज्यादा भी नहीं है, पहली बात अभी हम जो सोचता है ना अभी ज्यादा समय नहीं मिलेगा, अपनी बहुत कम समय
समय कम किया गया, इसलिए इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो भी ऐसे मानो उनकी पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के न हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। मैं यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, न कि तुम्हें फंसाने के लिए। देखिए, तुम्हारे लाभ के लिए कहता हूँ। बहुत अच्छा रीति में प्रभु के दास ने वहां पर वर्णन किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उस भाग को पढ़ेगा तो आपको समझेगा। अभी हमें ये दुनिया का रीति में मतलब हंसी मजाक करके कैसे भी अपनी मनमानी में जी करके अपनी इच्छा पूरा करने के लिए बिल्कुल वक्त है ही नहीं। भजन संक्षिप्त में भरेगा तो प्रभु की इच्छा मालूम करके उस इच्छा के अंदर बना रहने के लिए प्रभु की आत्मा या अमर शक्ति चेतावनी दिया है। आप सोचिए प्रियो, क्योंकि समय कम किया गया, अभी बहुत ही थोड़ी समय रह गया। दुनिया का लोग अभी थोड़ी देर पहले प्रभु के दास ने कहा, अभी जो सम्मेलन हुआ वो सम्मेलन में क्या क्या रिजल्ट आया, यो एक भयंकर रिजल्ट है। दुनिया की अवस्था एकदम नाजुक है, कभी भी कहीं भी कुछ भी होने का संभावना है। बहुत थोड़ी समय के अंदर बहुत कुछ बात होने वाला है दुनिया में, साइंटिस्ट बोल रहे हैं। तो प्रभु ने पहले से बता दिया, आकाश के लक्षण देखने वाला उससे डर जाएगा, समुद्र के लक्षण देखने वाला उससे डर जाएगा, दुनिया का मतलब जमीन का मतलब परख करने वाला उससे डर जाएगा, डरेगा ही, सब डरा हुआ है। ये कौन से समय, ऐसे कभी डरा नहीं, ऐसे समय में आज आ गया। आप देखो भी कब क्या होने वाला है, कहीं किसी को कुछ मालूम नहीं। तो प्रभु का वचन इसलिए ना, अभी विरोधी शैतान किसी ना किसी प्रकार भी पवित्र लोगों को उनके आत्मीय जीवन में कुछ मतलब गिरावट लाने के प्रयास में, उसको भी मालूम समय कम है। जब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 12 वचन हम सब समझने से बढ़कर जिस कारण ये स्वर्ग और उनमें रहने वालों मगन हो, ये पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। किसके पास आया? विश्वासियों के पास आया हुआ है। देखिए, क्योंकि जगत पूरा उसके हाथ में है, तुम्हारे पास उतरा है। क्या है, किस लिए? क्योंकि जानता है उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। जानता है थोड़ा समय बाकी रह गया, थोड़ा समय में ज्यादा लोगों को गिराना है। देखो, कोई प्रभु का दास भी चाहे तो 24 घंटा काम नहीं करता, लेकिन शैतान 24 घंटा और टाइम काम में लगा हुआ है। अब देखिए, बहुत भयंकर बात है ना भाई। तो प्रभु के लोग इस समय में इसका गौरव जान करके कितना सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम दुनिया में, हम एक दिन जाएंगे दुनिया से, जब तक तब तक हमें कितना सावधान रहना है, क्योंकि हमारे एक विरोधी हमें कदम कदम पर ठोकर खिलाने की यत्न में है। पहला पत्रोस उसका 5 अध्याय का 8 वचन, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। अभी बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम हमारा एक विरोधी है। कई लोग अपनी भाई बहन को विरोधी समझता है, प्रियो हमारा भाई बहन कोई विरोधी नहीं, हमारा विरोधी कौन है? शैतान। भाई बहन बोलते हमारे विरोधी शैतान है, और तो कई लोगों का विरोधी है मतलब अपने भाई बहन लोग अपना विरोधी समझता है, ऐसे नहीं प्रियो। हाँ, तुम्हारा विरोधी शैतान क्या करता, गरजने वाले सिंह के समान इस गोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, देखा, किसी को फाड़ खाए। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी अभी भी हमारे अंदर कितना अधिक प्रभु के प्रति, प्रभु को प्राप्त करने के प्रति कितना उत्साह चाहिए, कितना तड़प चाहिए है? क्योंकि हम एक तो बहुत आप बहुत भूख और प्यास के साथ अगर नहीं रहेगा तो मार्ग भी बंद हो जाएगा, मार्ग बंद होने में कोई दिक्कत नहीं पड़ता है ना। आपको मालूम है कई लोग छोटा कुछ शैतान कुछ मन में डालेगा, आज थोड़ा ठंडी ज्यादा है,
हाई नहीं जाएंगे। रुकदास को मालूम है ना, मेरा तबीयत तो खराब है, ऐसे ही टोटली खराब है, आज से आजकल तो जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए क्या करेंगे, हाँ नहीं जाएंगे। अच्छा कौन रुकाया? हाँ देखो, अच्छा अच्छा दासों को रुकाता है, आपको मालूम है। अब पढ़िए एक वचन दूसरा काम पड़ेगा, पहला तस्लोनी क्यों दूसरा अध्याय का 18 पढ़िए। क्या पर देखो इतना आत्मा में परिपूर्ण प्रेषित पौलुस तस्लोनी के मंडली में हमारे जाने के लिए बहुत आग्रह किया, लेकिन वहां पर वो खुद गवाही देता है। आप देखिए, हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन दो बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। देखा, शैतान हमें रुके रहा। संगति करने के लिए शैतान रिकॉर्ड करता है। देखो बहुत अनुकूल परिस्थिति होने के बावजूद भी प्रभु के लोग आपस में संगति करना बिल्कुल नहीं चाहने वाला एक व्यक्ति है शैतान, वो कोई ना कोई रीति में रुकाएगी। फिर क्या बोलेगा, कुछ ना कुछ बहाना बोलेगा। देखो प्रियो, ये बहाना कौन लाता? शैतान। उनका दिल को कब्जा कर दिया, जैसा अनन्या सबीर का दिल को कब्जा कर दिया। प्रियो हमें इतना तड़प चाहिए, इतना बड़ा इच्छा चाहिए प्रियो, है ना, हमारा आत्मिक जीवन की उन्नति को कैसे भी रुकाने के लिए, जो आनंद काल में मिलने वाला उस प्रतिफल से वंचित करने के लिए विरोधी कई प्रकार हमारे जीवन में तकोट लाएगा, है ना। इस कारण जब दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 11 वचन क्या बोलता है, शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखा, वो युक्ति करने वाला है, वो युक्ति के द्वारा धोखा देता है। प्रयोग शैतान का हम पर दाव न चले, वो किसी प्रकार भी हमें धोखा ना दे। बाइबल में ये सारे बात अच्छी तरह प्रभु ने हमें लेकर के प्रेम पत्र दिया है, लेकिन हम पढ़ता नहीं और हम उसको मानते ही नहीं। कई लोगों ने मारा कई रीति में क्या कर दिया, शैतान को बहुत जगह दिया। जब एफेसियों का पत्र 4 अध्याय का 27 वचन में लिखा है कि शैतान को अवसर ना दो, शैतान को अवसर ना दो। प्रियो शैतान को अवसर नहीं देना, हमारे जीवन में शैतान को अवसर नहीं देना हमें कैसे भी। आपको मालूम है, मतलब जो जो बात अभी विश्राम करना अच्छी बात है, परंतु अगर आप उससे प्रेम करेगा तो आप आलसी बन जाएगा, और आलसी का दिल शैतान का हथियार इकट्ठा करके रहने वाला भंडार है। आप देखो, विश्राम करना अच्छी बात है, उससे आप प्रेम करेगा तो गया, बल गया। अच्छी अच्छी बातों को भी, अच्छी अच्छी बातों के द्वारा भी कभी कभी शैतान भयंकर धोखा देता है, अपने जीवन को परखना भी। इसलिए जो भी बात है समय को, अभी पहला पत्रोस 4 अध्याय का 7 वचन में प्रभु का दास बोलता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, तुरंत होने वाला है। प्रियो ये भी एक कितना खतरनाक माना जाता है, इसलिए क्या करना, प्रार्थना के लिए सचेत रहो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग ये दुनिया की यात्रा में आज बहुत लोगों का प्रार्थना जीवन में बहुत घटी हो रहा है, इसलिए वो जैसे दौड़ना चाहिए वो दौड़ नहीं पा रहे, उनमें बहुत सामर्थ्य कम होते जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दूसरे को प्रोत्साहन करो, एक दूसरे के लिए अधिक बोझ के साथ प्रार्थना करो प्रियो, क्योंकि अभी कितना वक्त मिलेगा अपने को मालूम नहीं। लेकिन एक बात है, प्रभु का वचन कहता है जब तक हम ये दुनिया में रहता है तब तक हमें प्रभु का महिमा करने के लिए चांसेस बहुत है, प्रभु का कार्य करने के लिए अवसर बहुत है, और हम खुद सावधान रहना, है ना, खुद सावधान रहना। जब याकोब का पत्री 4 अध्याय का 4 वचन में इस दुनिया के संबंध में एक सख्त चेतावनी याकोब देता है, याकोब 4:4, देखा संसार से मित्रता परमेश्वर से बाहर करना। आप देखो उसको बोलता है ये व्यभिचारिणी हो, संसार से मित्रता परमेश्वर से बाहर करना है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, प्रभु ने हमें ये संसार से अलग किया,
योगना 17:14 में बोला इस समय संसार का नहीं, वे संसार का नहीं। प्रियो प्रभु ने हमें संसार से अलग किया। योगना 15:19 में कहा कि तुम ये दुनिया के नहीं, मैंने तुम्हें दुनिया से अलग किया, इसलिए दुनिया तुम्हें बाहर करेगा। प्रियो हम दुनिया के नहीं, पर जो अभी हम फिलहाल दुनिया में रहता है, लेकिन इस समय में हमें सावधान रहना चाहिए। इस समय में संसार की बातों में जा करके धोखा नहीं खाना चाहिए। हर एक बातों में मैं काम पर रहता हूं और इस जीवन में मैं कितना सावधान होना चाहिए, इस विषय में हम लोग सतर्क रहना, अपनी सतर्क रहना। हम मर संसार में डूब करके संसार की बातों में जाकर के धोखा खा सकता है। तो इसलिए यहां पर जब पहला योगना दूसरा अध्याय का 16 में थोड़ा आइएगा, पहला योगना 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। देखिए मानव बुराई का ट्रिनिटी एक प्रकार क्या बोल सकता है, बुराई का मतलब त्रित्ववश, त्रित्व साइड, तीन भाग बुराई का, तीन भाग मतलब कितना मतलब। देखिए ये शैतान का लोगों को फंसाने का मतलब तीन जाले, तीन जाले ना, ये तीन बातों में वो मानव जाति को फंसाते आया, आज भी फंसा रहे। इस विषय में हमको सावधान रहना चाहिए। वापस एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है शरीर की अभिलाषा, देखो शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड। देखो मतलब बहुत सारे रूप में यहां पर यौवन ने वो बात को समझाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हमारे जीवन में यही मार्ग में ये दिन बातें का हमें गलती हुआ, आपको सबको मालूम है ना। जब उत्पत्ति 3:1 का 4 अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। हाँ देखा, देखिए ये तीनों जाल एक ही साथ में उस अव्वा के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया। आप देखिए इतना भयंकर धोखा का काम था प्रियो, क्योंकि पगला मानव आदम का एक भाग को उसने कैसा धोखा देकर के फंसाया। वो तो मारा हवा ने ये बात मारा हवा ने बाद में बोला शैतान ने मुझे धोखा दिया और शैतान से वो धोखा खाया, परंतु ये तीनों जाल आया। क्या बोलता है, देखने में, ये देखने में इसका मतलब या मतलब खाने में अच्छा, खाने में अच्छा है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है शरीर की अभिलाषा, क्या हो गया खाने में अच्छा। देखिए खाने में अच्छा, आज मैं आपको बताना चाहता हूं ये है शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा में जाकर के लोग क्या करता, व्यभिचार करता ना। मतलब प्रभु ने जो भी जो व्यवस्था दिया परिवर्ति के संबंध में कोई पाप नहीं, और जो शारीरिक अभिलाषा में जाकर के जो लोग पाप में गिरता है वो शरीर की अभिलाषा में पढ़ा करके धोखा खिलाता है। देखो बहुत सावधान रहना पड़ेगा, इवन उसमें टेस्टी फूड के पीछे भी लोग मतलब शरीर की अभिलाषा में वो भाग भी आता है। ऐसे बातों में लोगों को आत्मीय जीवन में गिरावट लाने के लिए विरोधी कोशिश करता है ताकि ऐसा भोजन खा करके जल्दी वो मर जाए, ये दिशा में जाता है। दूसरा हम जब देखता है कि मतलब देखने में मन भाव, मतलब ये क्या है, ये है हमारा अभिलाषा, अति अभिलाषा, या उसको एफएसएम 5 है आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। वो बात क्या है कि अत्याग्रह, अत्याग्रह किसको बोलेगा, एफएसएम 5:5 पढ़ना, किसी व्यभिचारी या आसक्त जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में निराश। हाँ लोभ, लोभ, लोभी, 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 ये जो लोभी, ये मानव यहां पर जो भी मिलता है उसमें तृप्त नहीं,
वो उसके पास जो है वो मेरी पॉकेट में है, कितना भी प्राप्त करेगा वो तसली नहीं। आज आप दुनिया का सबसे बड़ा मतलब बिल गेट्स को पूछो, मतलब ऐसा अंबानी को पूछो, वो बोलेगा अभी भी तसली नहीं, और भी आने दे, इतना भी मिलने से लोग धन का लोग देखो कितना बड़ा। मतलब ये विषय जो भी ऐसे बातों को दुनिया की बातों को प्राप्त करके तसली ना होने वाले का अनुभव लोग, ये बातों में सीता ने धोखा देता और क्या बोलता है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, बोलने के बोले जीवन का घमंड, जीवन का घमंड। मतलब क्या है आपको मालूम है आज कितने लोग बड़े घमंडी है, मतलब वो अपने बारे में बहुत जो है ही नहीं, आत्मीय जीवन में भी घमंडी लोग है, कुछ भी ना जानते भी बोलेगा मेरे को सब कुछ आता है, घमंड है। ये किसका बंदा है, शैतान का बंदा है। ऐसा जब गलातियों में 3:6 थोड़ा पढ़ना उसको, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। देखा, अपने आप को धोखा देता है, कुछ भी ना होने पर भी कुछ ना होने पर भी वो एकदम अपने आप को बहुत शाना समझता है, बड़ा बुद्धिमान समझता है। मतलब छोटा सा कुछ नौकरी रहेगा तो भी मैं बड़ा मतलब आत्मी है वो दिखाता है। क्या बात है, कई लोग एयरपोर्ट में झाड़ू मारने का काम रहेगा लेकिन उधर बोलेगा ऑफिस में मेरा घर के है, ये उधर जाकर देख रेख में बाहर पड़ता है। मतलब मंडलवादी करने वाला क्या फायदा प्रयोग, ये मतलब ये सब किसका काम है, शैतान का, शैतान का धोखा है प्रयोग, शैतान का धोखा है। देखिए पहला मनुष्य को शैतान में धोखे में फंसाया, अब आखिरी मनुष्य आया, आखिरी मनुष्य के पास भी शैतान यही जाल लेकर के आया, यही जाल। आपको मालूम है मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय और लूका का 4 अध्याय, दोनों अध्याय में जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह के पास है, सबसे पहले उसने परिचय क्या लगा, बोला पत्र को बोलो ना रोटी बन जाएगा, पत्र को बोलेगा तो रोटी बन जाएगा, कौन सा परीक्षा है, शरीर की अभिलाषा, शरीर की जरूरत पूरा करो, शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए तू अपनी सामर्थ्य को इस्तेमाल करो, बोलने का अर्थ शैतान में यही था। प्रभु ने इसे किया नहीं, प्रभु बोलता है मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हरेक वजन से जीता है। मैं आपको पूछूं आज कितने लोगों ने यह वजन खाया है? प्रभु ने इसराइल लोगों को 1 हफ्ता का मन्ना इकट्ठा दिया क्या नहीं दिया, फिर कैसे दिया, रोज कब दिया, सुबह ने। इसका मतलब आत्मिक, इसका आत्मिक अर्थ क्या है, हम सुबह उठ करके रोज का मन्ना प्राप्त करना है। कितने लोग समझता है, बहुत लोगों को सूरज ऊपर आने के बाद में सिर पर धूप लगने के बाद में याद आता है नया दिन आ गया, उस समय में जाने से मन्ना मिलता नहीं, मिलता नहीं मिलता। प्रियो रोज मन्ना हमें मेरे प्रभु से प्राप्त करना है, जीवन की रोटी प्रभु का वचन। मैं आपको बोलना चाहता हूं आज भी कितने लोग आत्मीय जीवन में एक सुखापन का अनुभव है, इस वचन को रोज हमें प्राप्त करना है। प्रभु यीशु मसीह के पास ये वचन था, वचन के द्वारा प्रभु ने शैतान की इस तीनों धोखा देने वाले जालों से बचा। मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं प्रियो, कल से बढ़कर के हम लोग आगमन के निकट है, ये वचन कहां तक हम लोगों को प्यारा लगता है। कोलोसियों 3:16 में लिखा है वजन बहता है तुम्हारे दिल में, प्रभु की वजन बहता है तुम्हारे दिल में बसने दे। प्रियो प्रभु की वजन अगर आपके अंदर रहेगा तो
मैं आप लोगों को बहुत मतलब अगले हफ्ता में जो बिंदी मतलब गवाही देगा ना, कम से कम कोरोना के समय में कितनी बार बाइबल पढ़ पाए इतना तो बताओ ना। अब कितना समय प्रार्थना, एक अच्छा जीवन गवाही अभी तक नहीं सुना है। इतना लंबा समय मतलब प्रभु ने ज्यादा समय का मतलब मौका मना कर दिया, वो समय कैसे इस्तेमाल किया वो बात का गवाही नहीं आया अभी तक। प्रियो एक बात जानना, अभी जितना भी समय मिलता ना, ये वचन को अपने दिल में बैठा हो गई। आज भी बहुत लोगों के दिल में ये वचन नहीं रहता, खोखला है। आपको सबको याद है 119 का 11, मैं तेरी विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वचन को मेरे दिल में एक छोड़ा है। प्रियो ये वचन आज हमारे अंदर है क्या? ये वचन हमारे अंदर बोलता है इसे बसने दो, उसका कितना बड़ा लाभ है। प्रियो अगुमान में योगन का 15 अध्याय का 7 वचन में यीशु मसीह बोलता है, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुझ में बना रहेगा तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या सुंदर बात है। इसका मतलब ये वचन अंदर रहेगा तो लाभ है कि नहीं? बहुत बड़ा लाभ है प्रियो, लेकिन लोग वो लाभ के बारे में नहीं समझता। मैं आपको नम्र विनती करता हूं प्रियो, रोज रोज कम से कम एक वजन को तो अपने दिल में बयान करके बैठा हो, और हर हफ्ता में जो आपने 7 वजन पढ़ा हो मेरे को याद है कि नहीं, स्मरण में है कि नहीं, रोज उसको मनन करो है। ये जरूरी बात है। रोज लोग आज मतलब ऐसे बातों में भी धोखा खाता है। तो प्रभु यीशु मसीह को पाला, शरीर का टेस्ट आया, दोबारा प्रभु का पास क्या आया है? हाँ, इसके बाद में प्रभु को मतलब क्या कर दिया, सारे एक मतलब मतलब पहाड़ पर ले जाके बोलता है, सारा दुनिया का सारा देश को दिखा करके बोला, देखो ये सब कुछ मुझको दिया गया है, तो क्या करना, एक बार मुझे प्रणाम कर दे, थोड़ा गिर करके नमन कर ले, सब कुछ तेरा, सब कुछ है तुझको देता हूं। प्रियो आपको मालूम है शैतान का हमेशा उनका लक्ष्य क्या है, किसी प्रकार भी उसको मतलब महिमा मिलना, क्या मिलना, महिमा या आराधना मिलना। देखो इतना भयंकर बात है, परमेश्वर कभी भी ये बात को बांटता नहीं, परमेश्वर कभी भी अपनी महिमा किसी को देता नहीं, लेने नहीं देता। शैतान उसको छुड़ाना चाहता है। आपको मालूम होगा जब यशायाह नबी में 2 जगह पर वो शब्द लिखा है, यशायाह उसका 42:8, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा। देखा, मैं मेरी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। देखा, नहीं देगा प्रभु कभी। उसका 48:11 का भी पाठ, अपनी महिमा में दूसरे को नहीं दूंगा। देखा, अपनी महिमा में दूसरे को नहीं दूंगा। प्रियो ये प्रभु का एक पक्का इसमें मतलब व्यवस्था है। अभी वो उस महिमा लूटना चाहता था, वो महिमा लूटना चाहता था। देखो प्रियो, प्रभु मतलब आखिरी आदम यीशु मसीह उस जालों में नहीं फंसा, उसमें भी प्रभु ने वचन लेकर के बोला, तो अपना परमेश्वर का अलावा किसी का भी नमन हाँ नहीं करना है। वापस बोलता है कि तुम इस मंदिर के ऊपर से नीचे कूदो, लोग जानेगा स्पाइडरमैन आ गया है, तुझे बहुत लोग तेरे पीछे हो लेगा है। देखो कितना बड़ा मतलब कैसा अपना जीविका का गमंड, जीविका का घमंड दिखाओ। देखो तीनों प्रकार का परीक्षा के ऊपर यीशु मसीह ने वचन लेकर के विजय पाए। सबसे बड़ी बात इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अनेक पवित्र लोग प्रभु के वचन के साथ कितना अच्छा लगाव होना चाहिए, नहीं तो कभी भी किसी को भी वो आराम से फंसा सकता है ना। ये दुनिया की बातों में कितने लोग आराम से गिर जाता है, धोखा खाएगा आखिरी समय में। मत्ती के सुसमाचार में 24 अध्याय में जब अंत समय की चिन्हों के बारे में बोलने के समय में उसका 5 वचन पढ़ना, मत्ती 24:5, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ,
और बहुत को भरमाएंगे। देखा, बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे, उसका 24 वचन। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखा, चुने हुओं को भी भरमाने लायक विरोधी काम करेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वजन का सच्चा जो धनिक नहीं बना, जो व्यक्ति सही में मतलब प्रभु की आत्मा में नहीं चलता, उनमें से बहुत लोग डूब चुके हैं। इस विश्वास त्याग शक्ति ज्यादा भी नहीं है ना। दूसरा तसलोनी क्यों, उसका दूसरा अध्याय का तीसरा वजन, दूसरा तसलोनी क्यों दूसरा अध्याय का तीसरा वजन, देखा प्रियो, बोलने का मतलब प्रभु की आगमन से पहले विश्वास त्याग शक्ति में होगा और वो हो रहा है प्रियो। आज बहुत लोग सही में सच्चा विश्वास से गिर चुके हैं, अभी भी बहुत लोग सिर्फ एक कपटता में है, सिर्फ शो कर रहा है। प्रभु सबको देखता है प्रियो, और ये बात पहले तिमोथी 4 अध्याय का पहले वचन में बहुत स्पष्ट रूप में आत्मा कहता है, ये चेतावनी है। पहला तिमोथी 4 अध्याय इसकी पहला वचन, परंतु आत्मा स्पष्ट तौर से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। देखा, मतलब गलत उपदेश के कारण उन लोगों के धोखे में फंस करके धोखा खाएगा। प्रियो, आज हमारे जीवन में आज सुबह उठ करके कितने लोगों ने आत्माएं का एक्सेस किया, नहीं करता आज बहुत लोग। इधर ही आकर के मैं याद रहने के टाइम पर उनको याद आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है डीएल मूडी के कब्रस्तान में ऐसे लिखा है करके, उस मतलब उनका कब्रस्तान देखा वो लोग गवाही देता है। डीएल मूडी का कब्रस्तान में क्या लिखा मालूम है, मत्ती की सुसमाचार 10 अध्याय उसका 27 वचन, मत्ती 10 अध्याय का 27 वचन लिख कर रखा है। वो वचन क्या, आप थोड़ा पढ़कर देखो। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियारे में कहो। सॉरी, मैंने आपको गलत किताब बोला, लूका का सुसमाचार 10 अध्याय का 27 वचन। सॉरी, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। देखा, बोलने का मतलब इस रीति में जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति था नील मुड़ी। देखो, प्रभु से कैसे प्रेम किया, संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन बुद्धि से, संपूर्ण मन से, ताकत से, संपूर्ण दिल से, संपूर्ण 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 संपूर्ण। वो बात मार्क 12:30 में भी मतलब सेम ऐसा बात लिखा, मार्क 12:30 में, प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रियो, एक बात जानना, आज हमारा दिल ये दुनिया की और किसी कारण ना भाग जाए। मैं कौन है, मैं प्रभु से नए जन्म पाया व्यक्ति है, मुझे ये दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करके जीना है। दुनिया के पीछे मुझे नहीं भागना, मुझे यीशु मसीह के पीछे जाना है। हमारा बुलाहट का महत्व को जानना प्रियो, है ना। आज भी हमारा मन प्रभु की ओर लगा हुआ है क्या, प्रभु से बढ़कर के और भी कोई भी बात आज भी हमारे जीवन में है तो एक मूर्ति है। प्रभु ने जब मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय का 26 वचन में प्रभु बोला, एक इंसान ने सारा संसार को भी कमाया अपनी प्राण को नष्ट किया तो उसे क्या लाभ। मतलब प्रियो, संसार प्राप्त करने से बढ़कर के अपना प्राण के उद्धार में बैठना यह हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य है प्रियो, रोज रोज पीछे दिनों से बढ़कर के मैं अपनी प्राण के उद्धार में बैठते जा रहा है कि नहीं, मैं आत्मा में उद्धार पाया और मेरा प्राण का उद्धार में मैं बैठते जा रहा है कि नहीं, या मैं वो मूल्यवान समय मैं नाशवान दुनिया के पीछे लग रहा है क्या। लूका का सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 34 वचन, लूका 21 अध्याय का 34, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन कुमार तुम्हारा मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। देखा, वो दिन तुम्हारे ऊपर फंदे के समान आ पड़े, मतलब प्रभु की आगमन में तुम दुनिया की बातों में अगर रहेगा तो
तुम्हें धोखा हो जाएगा। प्रियो में फर्क रह चाहिए। आज मेरा दिल पूर्ण रूप में प्रभु की ओर लगा हुआ है कि नहीं, मुझे मिला हुआ ये समय में किस रीति में इस्तेमाल करता है। एक सच्चा उदार पाए व्यक्ति का कर्तव्य है, यानी पड़ोसियों का पत्री उसका तीसरा अध्याय का दूसरा वचन, पड़ोसियों 3:2, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। प्रियो आज भी बहुत लोग संसार के साथ लिपट गया, संसार को जीतने के लिए संसार की बातों के पीछे भाग रहा है, और जो प्रभु में मिलाट पाया और लोगों को प्रभु बोलता है पृथ्वी पर का बात नहीं स्वर्गीय बातों पर उसकी खोज में रहो, उसको रोज प्राप्त करो। अनंत काल की बातें कितना धन्य बात है। नती तो उसका पत्र ही उसका दूसरा अध्याय उसका 12:13 बजे पढ़ना, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर, देखा संसार की अभिलाषाओं से मन फिरना। प्रियो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, वो शब्द पहले ही आ गया, मतलब संसार की अभिलाषा हमें डुबा देगा। अपनी संसार में कुछ बनने की इच्छा वो हमें अपने जीवन में गिरा देगा, हमें हमारे अंदर ऐसे अभिलाषा शैतान ला सकता है, हमें वो तुरंत मन फिरना चाहिए। नहीं किसी कारण भी मैं मतलब प्रभु को ही मैं प्यार दूंगा, पूरा प्यार प्रभु को ही दूंगा, संसार से प्रेम नहीं करूंगा। अभिलाषा वो भी एक प्रेम है, वो भी एक प्रेम है, संसार से प्रेम करके। प्रियो ऐसे धोखा से बचा रहना, वही बात दूसरा तिमोथी 4:10 में देमास, देमास के बारे में हम देखता है, देमास के बारे में क्या बोला, संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। हाँ संसार को प्रिय जाना, संसार को जीवन में फल स्थान दिया, कितना बड़ा दुख की बात है। प्रियो हमें अपने जीवन में भरकर देखना है, आज मेरे जीवन में मैं कौन हूं, मैं प्रभु के लिए अनेक किया और ये दुनिया में मैं एक यात्री, मेरे यीशु मसीह दुनिया के नहीं था, मैं भी ये दुनिया के नहीं, ये जान करके मैं प्रभु का बन करके मैं प्रभु के लिए जीवन बिता पा रहा है कि नहीं। एक सच्चा मसीह जीवन हमेशा प्रभु के कदमों पर कदम मिलाकर चलने वाला जीवन है। प्रियो यीशु मसीह ने कहा कि ये दुनिया की कोई भी बात मेरे पास नहीं, ये दुनिया से मुझे कोई काम नहीं, कितनी बड़ी बात है। प्रियो आज हमारे जीवन को परखेगा तो हमारी अवस्था कहां पर, एक और वचन पढ़ करके याकूब का पत्री 5:5 प्रभु धन्यवाद करते हैं। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा, तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। हाँ बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, अपनी मनमानी में जी करके, दुनिया की खुशियों में डूब करके, दुनिया की रीति में जी करके वो धोखा खा रहा है। प्रियो आज हमारे जीवन के अनुभव क्या है, हम इस दुनिया का नहीं। प्रियो प्रभु का वचन कहता है जो भी प्रभु से जन्मा है वो दुनिया पर विजय प्राप्त करता है। प्रियो जैसा यीशु मसीह ने दुनिया के ऊपर विजय पाया वो विजय हमें भी पाना है। प्रभु बोला कि तुम्हें संसार में शांति मिले, ऐसा मैं संसार को जीत लिया है, जीता हुआ प्रभु हमारे साथ है। प्रियो हमारा मदद के लिए प्रभु हमारे साथ है, प्रभु ने हमें दिया उस आदर्श पर हमें चलना है, पर रोज रोज के जीवन में हमें परखना है। आज मैं सृष्टिकर्ता से बढ़कर के कोई भी सृष्टि के ऊपर मेरा मन बदलता है क्या, दादा से बढ़कर कोई दानों के पीछे मेरा मन भटकता है क्या, ये बात को हमें परखना है। बहुत सुंदर बात है, प्रभु का वचन कितना सुंदर है। प्रभु मतलब पहला आदम मतलब शैतान की उस धोखे की जाल में फंस गया, पर जो आखिरी आदम हमारे लिए एक विजयी जीवन बिताया और हमें एक अच्छा आदर्श देकर गया। आज हमें यीशु मसीह के कदमों पर कदम मिलाकर चलते हुए विजय प्राप्त करना है। प्रभु कितना अच्छा है, प्रभु हमें इतना बड़ा अनोखा जीवन प्रभु ने हमें दिया है, आज विजय प्राप्त करने का सारा प्रबंध प्रभु ने हमें करके दिया, अपन कितना धन्य लोग। आइए अपने आगे बंदी करें, एक क्षण अपने आप को